रामांतपुर नाम के एक गांव में एक एटीएम मशीन था। गांव वाले उस एटीएम मशीन से पैसे निकालते थे। उसी गांव में एक बैंक था। लोग उस बैंक में पैसे जमा करते थे। मगर उस बैंक का एटीएम हर दम खराब होते रहता था। इस वजह से गांव वाले बहुत परेशान होते थे। उस गांव में गंगू मंगू नाम के दो चोर थे। एक बार उस गांव का सरपंच गांव में एक मीटिंग रखा। मुख्य अतिथि के तौर पर बैंक मैनेजर को आमंत्रित किए। सरपंच तब, गांव वासियों, हमारे गांव में इस बैंक की स्थापना करके आज को पूरे 25 साल हो रहे हैं। इस बैंक के वजह से हमारे गांव वालों की बहुत भलाई हुई है। इस अवसर पर हमारे बैंक मैनेजर जी को सम्मान करने के लिए हमने आमंत्रित किया है, कहकर उन्हें माला डाले तो लोग तालियां मारने लगे। बैंक मैनेजर तब, गांव वालों को मेरा नमस्कार। हमारे बैंक को इतना प्रोत्साहन देने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। हमारे गांव का एटीएम बार बार खराब हो रहा है कहकर कंप्लेंट्स मिल रहे हैं। हम बहुत जल्द ही नया एटीएम लगवाएंगे। बैंक के पास आकर पैसे डिपॉजिट करना थोड़े लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कहकर मुझे पता है, इसलिए हम उस समस्या का भी परिष्कार निकालेंगे कहकर मैं वादा कर रहा हूँ। कहते ही सब खुशी से तालियां मारने लगे। ये सुनकर गंगू मंगू को एक उपाय सुझा। गंगू, यार उस मैनेजर के बातों को सुनने के बाद मुझे एक उपाय सुझा। अगर हम वैसे किए तो हमें पैसे ही पैसे मिलेंगे, कहकर अपने प्लान को समझाया। ऐसे दोनों मिलकर एक सेकंड हैंड वैन को खरीदे। उसे एक एटीएम फिक्स किए। गंगू मंगू दोनों बैंक ऑफिसर्स के जैसे भेष बदलकर उस वैन को चलाते हुए गांव में आए। और आइए सर, आइए, आइए मैडम, आइए, वेलकम वेलकम। हमारे बैंक वालों का नया एटीएम मोबाइल डिपॉजिट मशीन यही है। बैंक मैनेजर जी अपने वादे के मुताबिक इसे भिजाए हैं। इसके अंदर आप जितना चाहे उतना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहा तो मंगू, हाँ एक और जरूरी बात, इसके अंदर पैसे डाले तो इनकम टैक्स वालों को हिसाब किताब बताने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें ये बात पता नहीं है। जल्दी पैसे लाकर डिपॉजिट करके रिसिप्ट ले जाइए, कल से 4 दिनों तक बैंक बंद होगी। कमॉन कमॉन, कहकर पुकारने लगा। ये सुनकर सारे लोग अपने घरों में से पैसे लाकर क्यू में खड़े होकर पैसे डिपॉजिट करने लगे। गंगू सबको रिसिप्ट्स देने लगा। वो वैन वहां से चला गया। बाद में अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं हुए हैं ये जानकर गांव वाले सब बैंक मैनेजर से झगड़ने लगे। मैनेजर तब, आपको दिमाग है क्या? मैंने कोई वैन नहीं भेजी, मुझे कुछ पता नहीं है। लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है। उस वैन और हमारे बैंक के बीच में कोई संबंध नहीं है, कहा। इस बात से गांव वाले गुस्से में आकर बैंक मैनेजर को पकड़कर खूब मारे। मैनेजर घर में जो बीता वो सब बताकर बहुत दुखी हुआ। ये सुनकर उसका बेटा रमेश भी दुखी होकर, पिताजी आपने इस गांव के भलाई के लिए बहुत कुछ किया है, मगर अब देखो वो लोग ही आपका अपमान कर रहे हैं। फिक्र मत कीजिए, वो चोर किसी ना किसी दिन जरूर मिलेंगे, कहा। ऐसे गंगू मंगू आसपास के गांव में भी उस एटीएम वैन को घुमाते हुए लोगों को धोखा देते हुए बहुत पैसे कमाने लगे। एक बार रमेश जब बाइक पे पड़ोस गांव जा रहा था, तभी तेज बारिश आने की वजह से वो एक जगह पर रुका। तेज हवा के कारण धूल उड़ रही थी। तभी उसे एक घास की गठरी हिलकर वहां वैन के जैसे कुछ दिखाई दिया। वो बाइक उतरकर उस घास की गठरी को निकालकर देखा तो वहाँ पर एक एटीएम वैन था। उसे देखकर रमेश दंग हो गया। वो तुरंत जाकर पुलिस वालों से सब बताया। बाद में पुलिस वाले और गांव वाले सब मिलकर उस घास के गठरी के पास मौजूद झाड़ियों में छुप गए। थोड़ी देर के बाद गंगू मंगू वहाँ पर आए।
तभी अचानक से सब वहाँ पर आकर गंगू मंगू को पकड़कर खूब मारे। दोनों सच बोलकर पैसे कहाँ छुपाए थे वो भी बताए। ऐसे दोनों जेल गए।